बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान रूहानी मौलिक हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। किसी की नींदें हराम करने के लिए, महबूब को ताबे करने के लिए, अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है कि पहले आपको अपने प्यार के जाल में फंसा के उसके बाद आपकी कहीं और ताने बाने जोड़कर आपको सरे राह फेंक दिया है और आपके साथ शादी के वादे दावे करके अब खुद कहीं और चले गए हैं या चली गई हैं या कहीं और निकाह या रिश्ता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस अमल को सिर्फ इस खास मकसद के लिए करना है कि जो जिस शख्स ने आपको धोखा दिया है वो आपके याद में तड़पता रहे, बिलबिलाता रहे और आपके साथ दोबारा राबता करे। जो उसने आपके साथ धोखा किया है उस धोखे का अजाला करने के लिए आपके साथ निकाह करे, आपके साथ शरई तौर पर अपना बंधन बांधे और आपके साथ जो धोखादही की कोशिश कर रहा है या कर रही है उससे बाज आ जाए। उसके लिए ये खास अमल है, उन मेरे बहन भाइयों के लिए है जो लोग धोखे से बचना चाहते हैं या आ चाहते हैं कि उनको धोखा हो ही ना और उनकी मोहब्बत का वाला जो सिलसिला है वो अल्लाह उसको निकाह में बांधते हैं शरई तौर पर। तो इस अमल को वो शख्स भी रोजाना करके अपने महबूब को पढ़ के दम कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह ये हमारा जो है ना कदम इसको कामयाब फरमा और इसको निकाह के बंधन में बांधे। इसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं या जो रूठ गए हैं उनको मनाने के लिए भी कर सकते हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है उनसे अनब्लॉक करवाने के लिए भी कर सकते हैं, जिन्होंने आपको मैसेज रिप्लाई नहीं करते उनसे रिप्लाई लेने के लिए भी कर सकते हैं, जो आपको छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए हैं उनको वहां से राबता करने के लिए या वापस बुलवाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। लेकिन कोई भी अमल, कोई भी दुआ, कोई भी दवा जो हमारे बताए हुए अमल होते हैं उसको नाजायज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नाजायज की हम इजाजत नहीं देते, ना हम नाजायज करते हैं, ना हम नाजायज बताते हैं, ना हम नाजायज करने की इजाजत देते हैं। कुरान है, अगर आप नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह का गजब आपकी तरफ जरूर आएगा। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने ये कोई भी वक्त मुकर्रर कर लेना है, खवातीन मखसूस है कि हम ये नहीं करेंगी, इस अमल को 21 दिन करना है और 21 दिन करने के बाद जो भी आपका चाहने वाला है, जिस मकसद के लिए आपने करना है उसको लिखें, और अगर आपके पास किसी की तस्वीर है जिसके लिए आप कर रहे हैं उसकी तस्वीर आपके पास सामने हो, प्रिंट हो तो बहुत अच्छा है, प्रिंट ना हो तो मोबाइल की भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप अमल कर रहे हो या कर रही हो तो उस वक्त आपके सामने उसकी तस्वीर होनी चाहिए ताकि आपका तसव्वुर पुख्ता रहे। तसव्वुर पुख्ता होने से इंशाल्लाह ताला उसके दिल में आपकी तरफ से जब आप अमल करेंगे तो आपकी आपके जिस्म से उसकी शुआएं निकल के उसके दिल में जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके आपके लिए तड़पेगा और इंशाल्लाह ताला राबता करेगा। ये अमल आपने 3 दिन तक करना है, 3 दिन में अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो 7, 11 या 21 दिन तक करना है, इंशाल्लाह 21 दिन के आगे बाद नहीं जाएगी। इसके लिए आपने वक्त मुकर्रर करके इस आयत को आपने सिर्फ 313 मरतबा पढ़ना है, तस्वीर सामने रख के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 313 मरतबा पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने तसव्वुर करके उस शख्स के दिल दिमाग पे फूंक मारनी है या उसकी तस्वीर के ऊपर आपने फूंक मार के अल्लाह से खूब दुआएं करनी है, तो इंशाल्लाह ताला इस अमल को चंद दिन करने से इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।